हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने वहाँ का मौसम का हाल ज़रूर बताएंगे कि हमारे यहाँ वो का न्यूज़ तो चैनल वाली वेदर फोरकास्ट वाले अपने मौसम का क्योंकि हाल हमारे यहाँ तो बताइए। बारिश लगी है बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सब बताइए। डॉक्टर जाकिर नाइक रिप्लाई टू कपिल शर्मा। सो ओ डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस कपिल शर्मा होने वाला दिल्ली के है। दोनों बहुत बड़ी सो हस्तियां हैं। देखते हैं कि सो क्या कैसे रिप्लाई देते हैं, कैसा आंसर है, क्या बोलते हैं, कैसा टॉपिक उठाते हैं, मजा क्योंकि आएगा। मजा आएगा। दोनों मतलब यस, दोनों के दोनों एक अपने अपने लेवल पे रेस्टोरेंट बादशाह है और एक या अपने लेवल पे बादशाह है ना, मतलब यस मजा आएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो सो नहीं किया तो जरूर करें, लिंक हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो प्लीज स्टार्ट प्लीज करते हैं वीडियो को, प्लीज, लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट तक और देखना ताकि लास्ट तक आपका देखना, पूरा बस यही सपोर्ट हो रिक्वेस्ट है। मेरी। और ये कि मजा आपको भी आएगा, हमें भी आएगा। यस, सो सारे इकट्ठे आंसर सुनते हैं, करें प्ले। हाँ जी, और ये नमस्ते वीडियो का सर। लिंक हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते जी। जी, नमस्ते जी, क्या हाल है सर? प्रणाम सर, बढ़िया हूँ सर, एकदम जी। नमस्ते जी, क्या हाल है सर? प्रणाम। सर बढ़िया हूँ सर, एकदम। नमस्कार मैम। हाय कपिल सर, हेलो। मेरा नाम सुनीता सेक्सरिया है। तो सभी को नमस्कार करने के बाद आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज सही है। भाई साहब, यू रेस्पेक्ट एवरीथिंग। भाई साहब, आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट, क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रेस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार, उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूँ इसका मतलब क्या, कि क्या वजह थी? द पॉइंट इज माई फ्रेंड शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, बट लाइक ही वॉज ट्राइंग लाइक फ्रॉम द लॉन्ग टाइम बैक, सो ही वॉज अनेबल टू आस्क यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, सो ही पॉइंटेड टू मी एंड सो दैट आई विल बी। माशाल्लाह, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी, या प्रॉक्सी। भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चार आता है सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी, जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राइट, आप प्रोफेसर है? या। आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुने? या। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ, इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ, लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ, ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन, गॉड इज वन, राइट, एवरीथिंग इज वन, थिंग इज थिंकिंग, इफ यू थिंक लाइक इन अ राइट वे एवरीथिंग इज गुड, सो इट इज नॉट लाइक दैट यू रेस्पेक्ट दिस रिलीजन, यू रेस्पेक्ट दैट रिलीजन, एवरी रिलीजन इज गुड। भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है। सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में। रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए। दैट्स व्हाई माय प्रोफेशन इज प्रोफेसर, सो आई कैन नॉट डील विद द आउटर पब्लिक, आई टीच माय स्टूडेंट्स एंड आई लाइक टू इन्वॉल्व इन माय बुक्स एंड माय रिसर्च, दैट्स इट। माशाल्लाह, आपने लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की शुरुआत में, इस सवाल जवाब की शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालव इला कलिमतिन सवा इम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें, वर अनुष्य का भी शय, हम आपस में किसी को शरीक ना करें, और हम आपस में किसी को रब ना बनाए, फन तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फकुल शदु बेना मुस्लिमून, तो मैं कम अज कम शहादत देता हूँ कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसकी बात मानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। okay. तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूँ कि कम अज कम हर इंसान कोई भी मजहब में मानता हूँ, कम अज कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से, ठीक है? तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए, क्या वेद खुदा का कलाम है? वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूँ हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का मैं तालिबे इल्म हूँ। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। oh. मैं हवाला दे चुका हूँ,
हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूँ, छंदोग्य अमृत चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेता सदर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेता सदर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान के मूर्ति पूजा गलत है। आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 104 कि कुल वल्लावत गौ के खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यक्सा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो, जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारी किताबों में यक्सा है वो 100% सही होना चाहिए, जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट। माशाल्लाह। आप एक सेकंड, मैं जरा लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ क्योंकि ये बंद हो जाएगा बीच में, तब तक नेहा एक्सप्लेन करती है मुझे। तब तक मैं फिर से बोलती हूँ अपना मौसम का। सो गाइस, हमारे लैपटॉप की जो बैटरी है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, सो बीच में कभी भी वो बैटरी जो है डाउन हो सकती है, बंद हो सकती है कभी भी लैपटॉप। सो अभी शिवम गया है लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाने, जैसे आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से कंटिन्यू करेंगे। नया एक्सपीरियंस ऐसे कर रही जैसे उससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखना कि सुनना हम लोग क्या बोलते हैं, काफी मजा आएगा आपको, हम बोर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप लोग ज्यादा बोर हो जाते हो बहुत कुछ सुन के, और ऊपर से पीछे वाली लाइट भी बंद हो गई थी तो मेरा थोड़ा वो भी ध्यान था कि नहीं यार फोन करनी करनी है किसको, ये लाइट को ही। अच्छा हाँ, ये भी मैं करने लगा इसको। अब ठीक है, सब कुछ सेट है ना। तो लैपटॉप यार मेरे को पहले याद था लेकिन एकदम से मेरे को रिमाइंड भूल गया, तो सॉरी फॉर दैट। अब करते हैं आगे कंटिन्यू। आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है लेकिन वो एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिस। फाइन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, नॉट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थ्योरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई। थ्योरी बोलना आसान है, बहुत से मुकर्ररीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करे। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है, हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, अहम मजहब मेजर मजहब हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मतलब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं, व्हाट इज ट्रुथ यू शुड फॉलो। तो व्हेन वी गो टू द सोर्स, सोर्स पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखा है वो हराम है, हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यक्सा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वेन डायग्राम, आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? देखिए मैं बोल चुका हूँ सब चीजें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं पांच चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतानम मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार, नमो अरियणम सभी अरियणों को नमस्कार, नमो उज्जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद आप किसी के बारे में सोचिए सब चीज सही है। भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट, क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार, उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूँ इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा नमस्कार का मतलब क्या है। What is the literal meaning of the word namaskar? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिबे इल्म हूं, मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं, स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार, मैं तालिबे इल्म हूं आपसे पूछता हूं नमस्कार की बानी क्या है? नमस्कार नमस्कार की बानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से
ऊंचा हो जाता है। यस, कभी भी होता है ऐसे। तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। बताइए। नमस्कार आता है लव्स इदम नममे से, संस्कृत लव्स है इदम नममे से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूँ। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूँ, मैं इबादत करता हूँ सिर्फ एक खुदा की। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी इबादत करता हूँ। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है। वेद, वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथियज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है, पैंथियज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलोसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म, पैंथियज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, G-O-D with an apostrophe. So major फरक है का। ये का के फरक को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। The difference is apostrophe. Hindu से everything is God, Muslim से everything is gods. G-O-D with an apostrophe. If we can solve the apostrophe, we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे, खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र, एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लिस्ट। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है, yes. और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इम्पोर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मजहब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मजहब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, कि आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेगी। इन्होंने कपिल शर्मा से तो इस चीज को रिलेट किया है क्योंकि कपिल शर्मा अपने शो पे नमस्ते नमस्ते करके बोलते हैं। सो उन्होंने फिर किसी प्रोफेसर में पूछा है ना, बोला है। सो सबसे पहले तो प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आए जिस तरह पूछ रहे थे, लेकिन एकदम से डॉक्टर जाकिर नायक ने उनको ऐसे क्वेश्चन किया कि वो कुछ भी बोलने के उस पर नहीं रहे एंड बाद में वो सुन रहे थे चुपचाप उनके आंसर को जैसे वो बता रहे थे। सो बहुत सही से आंसर दिया है डॉक्टर नायक ने, मजा आ गया सुन के। बस इस वर्ड का आंसर देना था, नमस्कार का मतलब क्या होता है, उसके पीछे उन्होंने पूरे वेद कुरान सब की बता दिया है ना, चैप्टर पढ़ के सब कुछ बता दिया कि इसमें ऐसे लिखा है, ऐसे हो सकता है, ऐसे डिफरेंस कम करिए, है ना, जो भी चीजें बता दी। तो मतलब बढ़िया लगता है यार, मतलब कि एक छोटी चीज को वो इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि सभी के दिमाग में बढ़ जाती है, नॉलेज हमारी भी बढ़ जाती है, हमें भी बहुत सी चीजें समझ में आने लग पड़ती है कि नहीं ये गलत होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि बिना पढ़े ही हम अपने जो भी है होली बुक्स को अधिक नॉलेज तो हमें डॉक्टर साहब ही दे देते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। सो दैट हम इनकी वीडियो पे तभी रिएक्शन करते हैं कि हमें भी पता चलता रहे और हमारे थ्रू थोड़े से या कुछ भी जो भी है इंटरेस्टेड है ना जानने के लिए उनको पता लगता रहे, है ना। सो यही हमारा मोटिव और पर्पस है।
सो बाकी बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम भी कोई चीजें जाने, वो आप हमें कमेंट करके लिंक सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या यहाँ पे। और बहुत से लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप वीडियो सीन नहीं करते, हमारे चेक नहीं, हम मैसेज हर एक के सीन करते हैं, लेकिन मैसेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है तो आपको लगेगा सीन हुआ, लेकिन हम मैसेज हम ऐसे खोल के देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि क्या मैसेज है और क्या है। सो हर एक मैसेज हम चेक करते हैं, ऐसा मत सोचिए नहीं करते हैं। बाकी ये कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ज़्यादा है, सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता है। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, अभी हम वीडियोस बना रहे हैं, नेक्स्ट इसके बाद एक दो वीडियोस और बनाएंगे, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल के रखा है, जो भी कमेंट्स आए हैं वो पढ़ रहा हूँ, उसके रिलेटेड वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट। बाय।